फर्स्टली जब आप स्कूटी को चलाएंगे तो आपकी स्कूटी होनी चाहिए डाउन वाले पोर्शन, दोनों ब्रेक यूज करते हैं। अरे भैया ये इस ओर का एक्सलेटर है। जब बहुत सारी महिलाएं जो कि स्कूटी सीख रही हैं उनके पास स्कूटी सिखाने वाला कोई नहीं है, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। जितने भी बिगिनर्स मेरी बहनें स्कूटी सीखना चाह रही हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल राइडर दीप्ति बिष्ट में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर मैं दीप्ति बिष्ट आपको आज स्कूटी सिखाने की एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो है दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं जो कि स्कूटी सीख रही हैं उनके पास स्कूटी सिखाने वाला कोई नहीं है, और अगर सिखाने वाला है भी तो उनको पिछला एक्सपीरियंस नहीं है कि हम स्कूटी सिखाएं तो कैसे सिखाएं। तो दोस्तों आज उन लोगों के लिए स्कूटी सिखाने की वीडियो है जिनको सिखाने के लिए कोई नहीं है, और जिनके पास सिखाने वाला है भी तो उनको आइडिया नहीं है कि कैसे स्कूटी सीखी जाए और सिखाई जाए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काफ़ी लोगों ने अभी तक स्कूटी सीखी है मेरी वीडियो से, लेकिन आजकल ना मेरे पास कैमरामैन था और ना टाइमिंग बैठ पाई मेरी, जिससे वीडियोस नहीं डाल पाई। तो अब दोबारा आपके बीच एक्टिव होने के लिए आई हूँ। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों करते हैं शुरू स्कूटी का बैच। ये चाबी रही हमारी, ये चाबी हेलमेट पहन लीजिएगा, उसके बाद आपको बताएं। फर्स्टली जब आप स्कूटी को चलाएंगे तो आपकी स्कूटी होनी चाहिए डाउन वाले पोर्शन पे। जी हाँ दोस्तों, डाउन वाले पोर्शन पे भी नहीं आते हैं। फर्स्ट में आपने स्कूटी में चाबी लगा दी, अभी स्कूटी लॉक है, ठीक है। फिर आपने गाड़ी को ऑफ में रख दिया। अब आपकी गाड़ी चलने योग्य बन गई है, अभी स्टार्ट नहीं करना है आपने। खाली आपने स्टैंड हटा लेंगे, इस ओर स्टैंड है हमारा, ठीक है, ये स्टैंड है हमारा, इसको ऐसे पैर से डालेंगे, और जब स्टैंड लगाना है तो इसको ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। स्टैंड को हमने हटा दिया, अभी ये लेफ्ट ब्रेक है, ये राइट ब्रेक है, दोनों ब्रेक हैं आपके। बहुत सारे लोग दोनों ब्रेक यूज़ करते हैं। अरे भैया ये इस ओर का एक्सलेटर है, जब आपसे एक्सलेटर अच्छे से कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप दोनों ब्रेकों को कंट्रोल करने में अपना बैलेंस डगमगा भी सकते हैं और गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस ओर से देखिए आप, इस ओर से ये जो एक्सलेटर है, एक्सलेटर इससे गाड़ी आगे बढ़ती है। एक्सलेटर जैसे ही हम घुमाएंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, एक्सलेटर घुमा के गाड़ी आगे जब स्टार्ट स्कूटी करते हैं तो गाड़ी आगे को बढ़ती है एक्सलेटर बढ़ा के। सभी लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आपने फर्स्ट डे क्या करना है, आपने गाड़ी को ये ऑन कर दी है, ये ब्रेक है लेफ्ट साइड का, केवल लेफ्ट साइड का ब्रेक सफिशियंट होता है, और बहुत सारे लोग दोनों साइड का यूज़ करते हैं। तो दोनों साइड का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि राइट साइड का ब्रेक फ्रंट व्हील का रहता है हमारा, और लेफ्ट साइड का जो ब्रेक है ये बैक व्हील का रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा आपको केवल लेफ्ट साइड का यूज़ करना है ब्रेक। और एक्सलेटर, एक चीज़ अच्छे से नहीं संभलती तो दो चीज़ें संभालने में थोड़ा सा कंडीशन टफ हो जाती है। तो आप लोग कोशिश करिए कि वह लेफ्ट साइड सफिशियंट है, और फर्स्ट डे जो स्कूटी ट्रेनिंग का रहेगा इसमें आपने ब्रेक पकड़ना है और आराम से दोनों पैर, जैसे पैदल बच्चा वॉकर में चलता है ना, तो आपने सेम वैसे ही वॉकर में चलना है पैदल आराम से। फर्स्ट डे बस यही प्रैक्टिस करनी है आपने, बस ऐसे ही ये आपने गाड़ी, जैसे गाड़ी तिरछी हो जाती ब्रेक दबा के आप संभाल लेंगे, ऐसे ही फर्स्ट डे ऐसे ही चलिए, ऐसे पैरों का सपोर्ट लेके। आप समझ लीजिए कि आप एक 8 महीने के बच्चे हैं और आप वॉकर का सहारा लेके चल रहे हैं, तो ऐसे ही आपने स्कूटी को सहारा देके आराम से चलना सीखना है इस प्रकार से। तो ये तो होगा आपका फर्स्ट डे की क्लास आपने इस प्रकार से। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि जो लोग पहाड़ों से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो सही है कि
उनको अप डाउन वाला पोर्शन मिल जाएगा, बट जो बहनें मेरी प्लेन्स से हैं जिनको यहाँ अप डाउन वाला पोर्शन नहीं मिलता, अब बात यह है वो सीखेंगी कैसे, क्योंकि उनको डाउन पोर्शन नहीं मिल पाएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी स्कूटी स्टार्ट करना। देखिए स्कूटी स्टार्ट कर ली हमने, ये ऑन कर ली चाबी, अब ऑन कर ली और स्टैंड हटा के ही हमारी स्कूटी स्टार्ट होगी। तो ब्रेक दबा के ये वाला बटन है सेल्फ, ये बटन है सेल्फ स्टार्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब है क्या, ये ब्रेक पे हमेशा फिंगर्स रहेंगी आपकी, ये जो एक्सीलेटर है आराम से बढ़ाएंगे फिर कम कर लेंगे, एक्सीलेटर को आराम से बढ़ाएंगे फिर कम कर लेंगे। यकीन मानिए अगर आपने ब्रेक टाइटली प्रेस कर लिया हो, ऐसे ये है, ये देखिए ब्रेक मैंने टाइटली प्रेस किया है, अगर गिरने जैसा हुआ मैंने ब्रेक दबा दिया तो हमारी स्कूटी गिरेगी नहीं, क्योंकि स्कूटी डैमेज होना या आपका डैमेज होना ये जरूरी नहीं है कि गिर के ही स्कूटी सीखी जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गिरे बिना स्कूटी नहीं आती, तो मुझे नहीं लगता कि गिरे बिना स्कूटी नहीं आती। तो आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करिए और एक परफेक्ट राइडर बनिए। फर्स्ट डे की आज की प्रैक्टिस यहीं पे क्लोज करती हूँ। आप लोग इस प्रैक्टिस को अपने जब भी आप सीखें स्कूटी अपने डेली प्रैक्टिस में इसी प्रैक्टिस को लाइए और देखिए विद इन वन वीक आप एक परफेक्ट राइडर बन जाएंगी। तो दोस्तों आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए मैं दीप्ति बिस्ट आपसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।